नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत ऐप 9 और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसों के बीच केरल, यूपी और राजस्थान में स्वाइन फ्लू से मरीजों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 लोग और ओडिशा में भी 2 लोग H1N1 से संक्रमित पाए गए हैं। देश भर के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू के नए केस मिलने से दहशत है। मरीजों में कोरोना जैसे ही लक्षण निमोनिया, सांस लेने में समस्या और ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है, जो काफी खतरनाक संकेत हैं। तो देश के किन राज्यों में अब तक स्वाइन फ्लू के मामले सामने आए हैं वो जरा हम आपको बता रहे हैं। केरल में 1 मरीज की मौत हुई है, 1 संक्रमित है। वहीं मध्य प्रदेश में इंदौर में 3 लोग स्वाइन फ्लू की चपेट में है। राजस्थान में 2 महीने में 90 से ज्यादा केस मिले हैं, 2 की मौत हुई है। वहीं यूपी में कानपुर में 1 मरीज की मौत हुई है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 लोग स्वाइन फ्लू से संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद जो खतरा है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा तमाम और ऐसे संक्रमण हैं जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में आज कुछ डॉक्टर्स हैं मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि राजस्थान में भी पिछले 2 महीने में स्वाइन फ्लू के 90 से ज़्यादा मरीज मिल चुके हैं। अकेले जयपुर में ही 70 से ज़्यादा मरीज मिले हैं। अब तक जयपुर में स्वाइन फ्लू के 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। यानी कि 2.5 साल से कोरोना डरा रहा था और अब स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जयपुर में 2018 में स्वाइन फ्लू से 221, 2019 में 208 और 2021 में 116 लोगों की मौत हुई थी। इसी वजह से डर और ज्यादा बढ़ रहा है। कानपुर में भी इससे दहशत का माहौल लगातार बना हुआ है। तो स्वाइन फ्लू बीमारी क्या है जरा आपको बता देते हैं। स्वाइन फ्लू एक बेहद तेजी से फैलने वाली संक्रामक बीमारी है। स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा ए को हम H1N1 के नाम से भी जानते हैं। आगे ये क्यों फैलता है, कैसे फैलता है, किसके संक्रमण के आने से फैलता है, ये सब डॉक्टर आपको बताएंगे। डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ जुड़े हैं, नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी IMA के और वाइस प्रेसिडेंट हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। सर, कोरोना लगातार बढ़ रहा था, कोरोना का पीक हमने देखा, कोरोना की वजह से कितनों की जाने गई, किसी से छिपा नहीं है, सबके सामने है। बहुत बदलाव हमने अपनी लाइफस्टाइल में लाया ताकि कोरोना से हम बच सके, लेकिन 2.5 साल बाद स्वाइन फ्लू का खतरा एकदम से बढ़ गया है। पहले तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगी कि स्वाइन फ्लू क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं और ये किन के संपर्क में आने से फैलता है, क्योंकि बताया ये भी जाता है कि स्वाइन फ्लू कुछ जानवरों से फैलता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ सालों से इसमें कोई शक नहीं है, स्वाइन फ्लू भी आया था, फिर कोरोना भी आया, कुछ टाइम पहले हम मंकी पॉक्स भी सुन रहे थे। ये सब ना जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक का मतलब ये साधारणतया पशुओं में ज्यादा फैलती है, लेकिन पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि मानव जाति का थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट लेना और थोड़ा सा मानव जाति का जानवरों से ज्यादा मिक्स हो जाना, उनके हैबिटेट से मिक्स हो जाने से कई बीमारियां क्रॉस ओवर कर गई हैं। इनका वायरस एक एनिमल वायरस होने के साथ साथ ह्यूमन वायरस बन गया है। ये स्वाइन फ्लू ये अभी नहीं आया, कई सालों से सुना जा रहा है और ये बहुत ही इन्फेक्शियस डिसीज है। सिम्टम्स उसके भी वही होते हैं, सिंपल फीवर से स्टार्ट होगा, सिंपल फीवर, कफ एंड कोल्ड, फिर ये छाती को इन्वॉल्व करेगा, फिर ये दिमाग को इन्वॉल्व करेगा और इसमें जो फैटेलिटी रेट यानी कि मौत के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और ये इन्फेक्शियस बहुत ज्यादा होता है। जहां तक बात आई कोरोना की फेस पहली वेव थी, दूसरी वेव हम सब देखी है, बहुत ही खतरनाक थी। तीसरी वेव दिसंबर 2021 और जनवरी 22 में आई थी। फोर्थ वेव जो आज भी जिसका हल्का डर चल रहा है वो कब बढ़ जाएगी हमें नहीं मालूम। तो ये कुल मिला के ये सब बीमारियां वायरल डिसीजेस हैं और जो कि लार्जली जोनोटिक डिसीजेस थी, जो कि ऐसा फैलती थी पशुओं में ज्यादा होती थी। कोई बर्ड फ्लू भी आया था जो बर्ड से फैलता था, स्वाइन फ्लू वाइल्ड एनिमल्स में ज्यादा फैलता था, मॉन्टी पॉक्स मॉन्कीस और दूसरी वाइल्ड एनिमल्स से आता है। जो कोरोना हुआ वो चाइना देश से स्टार्ट, वुहान से स्टार्ट हुआ, वो बहुत तेजी से फैला और जो उसकी अब जो उसके सब वेरिएंट्स हैं, जैसे पहले डेल्टा था, फिर डेल्टा प्लस था, फिर
ओमाइक्रॉन था, फिर ओमाइक्रॉन एक्सी था, ये सब और अपने आप को वायरस की कैपेसिटी क्या होती है, वायरस अपने आप को बहुत तेजी से बदलता चला जाता है। तो कहने का मतलब कभी कभी बड़े बूढ़ों को ज्यादा इन्वॉल्व कर रहा है, कभी बच्चों का डर ज्यादा हो रहा है। तो कुल मिला के अगर हम देखें, अगर हमें बचाव करना है, जो कि बचाव बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले 2 सालों में मैंने लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के हर इंसान को, हर परिवार को तड़पते हुए देखा है। किसी के घर में कोई मौत हो गई, किसी की लंबी बीमारी हो गई, तो अब हम लोगों को डराने का ऐसा कुछ नहीं करते, लेकिन एट द सेम टाइम लोगों को हम जागरूक करते हैं। जागरूक का मतलब कि एक और बात यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हमने देखा है कि जब से कोरोना आया है तब से और संक्रमण काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। स्वाइन फ्लू पहले भी आया था लेकिन उतने ज़्यादा हाहाकार नहीं दिखाई दिया था, लेकिन कोरोना के बाद से हर एक बीमारी को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, हाहाकार के रूप में देखा गया है। तो हमें, हमारा मकसद डराना नहीं है लोगों को, क्योंकि कोरोना में काफ़ी लोग डरे हैं और परेशान रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि हम लोगों को पहले से ही जागरूक करें ताकि लोग इससे बच के रहें। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनके लिए स्वाइन फ्लू जानलेवा हो सकता है? देखिए, मैं दोबारा बता दूं, जैसे कि आपने स्पष्ट कहा, मीडिया का रोल है लोगों को हेल्थ एजुकेट करना, नॉट टू फ्राइटन, क्योंकि मैंने सेकेंड वेव में लोगों को इतना डरते हुए देखा है, जितनी बीमारी थी उससे कहीं ज्यादा डर था। इसलिए आज भी हमारा उद्देश्य एक ही रहता है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। पहला तो कोरोना प्रोटोकॉल ना केवल हमें कोरोना से बचाएगा बल्कि बाकी बीमारी से बचाएगा, जिसमें वही 4-5 चीजें। नंबर 1, घर से निकलो तो हमेशा फेस मास्क पहन के निकलो। नंबर 2, भीड़ भाड़ में मत जाओ। नंबर 3, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। नंबर 4, अपना हैंड सैनिटाइजेशन, यानी कि अपने हाथों को स्वच्छ रखिएगा, चाहे साबुन पानी से धो के या सैनिटाइजर साफ करके। और नंबर 5, अपनी इम्यूनिटी का, अपने खान पीन का एक एवरेज खा लो। दूसरा सवाल आपने पूछा कि किन लोगों को स्वाइन फ्लू ज्यादा फैल सकता है। जैसा कि मैंने बार बार आपको हिंट दिया, ये सब बीमारियां हमें जानवरों से आती हैं और उन्हीं में यह ज्यादा फैलती हैं। जो लोग उनके संपर्क में, वाइल्ड लाइफ के कॉन्टैक्ट में रहते हैं या किसी एनिमल बिजनेस में हैं, कोई फॉर एग्जांपल मीट बिजनेस में है, बकरा काटने बिजनेस में है, उनको ज्यादा होता है। लेकिन जब एक बार ये मानव में आ जाता है तो एक मानव से दूसरे मानव में भी आसानी से फैल सकता है। तो यानी कि एक तो एनिमल से आएगा, दूसरा जिस एक इंसान से आ गया, मैन टू मैन भी ये फैल सकता है। जब एक को, उसको हमें बहुत जल्दी आइसोलेट करना पड़ेगा। अगर हम कोई बीमार को पहचान लेते हैं तो उसको अलग कर देना और उसका ट्रीटमेंट करना ही हमें प्राथमिकता से करना पड़ेगा, तभी हम दूसरे लोगों को बचा पाएंगे। सर, इसलिए बहुत जरूरी है। जी जी बोलिए। हाँ, यस, जो आपने पूछा कि स्वाइन फ्लू की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, जो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है जो हिंदुस्तान में खुलेआम पहले भी लगती थी, अभी भी लगती है, जो हर साल सितंबर के आसपास लगाई जाती है, उसी से हमें स्वाइन फ्लू की प्रोटेक्शन मिलती है। साथ साथ कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, उस तहत मैं ये भी कहूंगा कि कोरोना के आपने वैक्सीनेशन लीजिएगा। अगर आप ये कर रहे हैं तो आज भी मैं आपके चैनल से आपके दोस्तों को स्पष्ट इतला दूंगा कि कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं। इस टाइम अभी भी जो बीमारी चल रही है, बीमारी अपने लोएस्ट स्टेप पे है, लोएस्ट कम से कम है, ये लेकिन कब ज्यादा हो जाएगी किसी को नहीं पता, इसलिए बचाव ही इसका इलाज है। सर, एक और सवाल यह है कि मंकी पॉक्स का आपने जिक्र किया है, मंकी पॉक्स, अब तक देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये शब्द सुना भी नहीं होगा कि मंकी पॉक्स जैसे भी चीज़ें या बीमारी है, तो मंकी पॉक्स कैसे फैल सकता है और जैसे अन्य देशों में फैल रहा है, और अगर ये भारत में होता है तो हम इसके लिए कितने तैयार हैं? दूसरा ये कि जिस तरह से कोरोना फेफड़ों पर सबसे ज़्यादा असर करता है, स्वाइन फ्लू कौन से बॉडी पार्ट पर सबसे ज़्यादा असर करता है? स्वाइन फ्लू साधारणतया फेफड़ों पर अटैक करता है, ये साथ में ब्रेन पे अटैक करता है, इसमें कॉन्शियसनेस बहुत जल्दी चली जाती है, ये सारे वाइटल ऑर्गन्स पे अटैक करता है और बहुत ही तेजी से फैलता है। जो स्वाइन फ्लू और जो कोरोना था, जो लेटेस्ट वायरस चल रहे हैं, वो ज्यादा वायलेंट नहीं है, वो फेफड़ों पे अटैक ज्यादा नहीं कर रहे हैं, वो बड़ी आसानी से, जो कोरोना आजकल है वो ठीक, COVID-19 ठीक हो जाता है। तीसरा आपने मुझसे पूछा मंकी पॉक्स, मंकी पॉक्स का नाम आप याद करिएगा, आज से 3-4 डेकेड्स पहले
चेचक हुआ करती थी, जिसको हम इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स बोलते थे। स्मॉल पॉक्स का टीका लगता था जिससे हम सब किस्म के पॉक्स वायरस से बच जाते थे। उसके बाद चिकन पॉक्स आया था जिसका टीका आज भी छोटे बच्चों को 10-1 साल के आसपास लगाया जाता है और उसको 5 साल पे बूस्टर लगाया जाता है। उसी का एक फर्दर वेरियंट है मंकी पॉक्स, जो कि जूनोटिक बीमारी है, अक्सर जानवरों में फैलती थी, लेकिन ये बीमारी भी अब आदमियों में ह्यूमन बींग्स में क्रॉस ओवर कर गई है। ये अभी तक जो हमने देखी है, जितने केसेस जितने भी देशों में हुए हैं, कोई बहुत ज़्यादा उनकी मौतें या डेथ्स नहीं हुई हैं, तो इसको हम अभी माइल्ड बीमारी मानेंगे। इससे बुखार और खांसी जुकाम के अलावा सारे स्किन पे पानी वाले दाने आ जाते हैं। तो हम समझते हैं कि हमारे बच्चों को और जो सीनियर सिटीजन हैं, जिनको की दूसरी बीमारियाँ हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और लंग फेलियर, किडनी फेलियर, HIV, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इन लोगों को हमें ज्यादा बचाने की जरूरत है। और जो लोग वाइल्ड लाइफ से अटैच हैं, जो लोग किसी एनिमल बिजनेस में हैं, उन लोगों को हमें बचाने की जरूरत है। क्योंकि अभी इंटरनेशनल ट्रेवल चल रहा है, इंडिया में अभी तक कोई भी मंकी पॉक्स का केस खास कंफर्म नहीं हुआ है। तो अभी जो भी केस आएगा हमारे देश में, वो कहीं बाहर से आएगा, तो हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे सख्ती से इसका सर्वेलेंस किया जाए, तो उससे हम बाकी देशवासियों को बचा पाएंगे। जैसे कोरोना को बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा गंभीर लिया था, पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर को बहुत गंभीर लिया, लेकिन स्वाइन फ्लू पहले भी आया है। हालांकि जब स्वाइन फ्लू काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है तो लोग इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सचेत हो जाते हैं, लेकिन इस बार स्वाइन फ्लू के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। क्या हमें अभी से ही अलर्ट होने की ज़रूरत है कि हम अभी से अलर्ट हो जाए ताकि इससे बच सके? हर बीमारी के प्रति अलर्ट होना चाहिए, लेकिन उसके मापदंड सरकार ने बनाए हुए हैं। जो हेल्थ रेगुलेटिंग एजेंसी है वो इनको मॉनिटर करती रहती हैं। कोरोना बटन जल्दी दबाया गया था, ये पेंडेमिक बन गया था। पेंडेमिक मीन्स कि बहुत ज्यादा केसेस ना केवल एक देश में बल्कि दसियों, पचासों, 150-200 देशों में एक साथ होने शुरू हुए। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड पेंडेमिक। स्वाइन फ्लू कभी भी पेंडेमिक नहीं बना है, तो इसलिए स्वाइन फ्लू को हम कंटेन कर सकते हैं। तो हमारा देश की सरकार का फर्ज है, जो भी केस पकड़ में आए उसको आइसोलेट किया जाए, टोटली अलग किया जाए, एग्रेसिवली ट्रीट किया जाए और उसको दूसरे लोगों से अलग रखा जाए, ताकि जल्दी ये कोई बड़ी बीमारी या एपिडेमिक ना बन पाए। बिल्कुल। और सर, आखिर में एक खास संदेश जो दर्शक हमारे जो हमें देख रहे हैं उनके लिए? एक ही संदेश, अपना बचाव कीजिएगा। सब जब तक हर इंसान, हर जन अपना बचाव, अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी अपना खुद नहीं करेगा। अगर इंसान कहेगी मैंने तो टीका लगवा लिया है कोरोना का, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं ना मास्क पहनूंगा, ना सोशल डिस्टेंसिंग करूंगा, तो नुकसान होगा। इसलिए जैसे दूसरे देशों में, छोटे देशों में, यूरोप के देशों में, इसराइल, जापान, न्यूजीलैंड, हांगकॉन्ग, इन सब देशों में लोगों ने कोरोना शैली या एक बचाव की शैली अपना ली है, तो मेरे देशवासियों को, हमारे देशवासियों को भी मैं यही संदेश दूंगा कि आप अपना बचाव कीजिएगा, अपना कोरोना प्रिपेयर बिहेवियर फॉलो कीजिएगा और साथ में अपना वैक्सीन लगाइएगा, अपने खान पीन का एक बैलेंस्ड डाइट का और एक न्यूट्रिशियस डाइट का से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइएगा। वो अननेसेसरी पैनिक क्रिएट मत कीजिएगा। हम सब अगर इंडिविजुअली अपना बचाव करेंगे तो हमारे देश का हर वासी बच पाए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए और हमारे चैनल को समय देने के लिए, बहुत शुक्रिया सर। तो जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़े थे और एकदम से पेंडेमिक आ गया था, लोग काफ़ी घबरा गए थे, लेकिन स्वाइन फ्लू के मामले जो हैं वो हम इसे पेंडेमिक नहीं कह सकते। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ये कई बार आ चुका है, लेकिन मामले उतने ज़्यादा नहीं होते, एक साथ कई देशों में नहीं होता, लेकिन मंकी पॉक्स जो है ये गंभीर है काफ़ी, इससे बचने की ज़रूरत है। हालांकि भारत में मंकी पॉक्स के जो मामले हैं वो अभी तक नज़र नहीं आए हैं, लेकिन अभी से ही सावधान रहने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हो सके, अगर आपके घर में पेट्स हैं तो उनकी साफ़ सफाई रखें, खुद की साफ़ सफाई रखें, दूसरे जानवर के साथ आपका पेट जो है वो ना बाहर मिले, और साथ ही साथ अगर आप
आप ऐसे जानवरों को छूते भी हैं, टच भी करते हैं, तो अपने हाथों को वॉश जरूर करें, मास्क जरूर लगाएं। न्यूज़वर्ल्ड इंडिया लगातार आपसे अपील करता रहा है और आज भी अपील कर रहा है कि अभी भी मास्क को हटाना नहीं है, मास्क लगाएं, हाथों को लगातार सैनिटाइज करें, धोते रहें, ताकि ये जो संक्रमण है, जो कोरोना के साथ साथ आ रहे हैं, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, मंकी पॉक्स हो, इसके अलावा और इन्फ्लुएंजा हो, इससे आप बच सकें, अपना भी बचाव करें और अपने आसपास के लोगों का भी बचाव करें, ताकि देश में इस तरह की बीमारी जल्द से जल्द खत्म हो जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।